वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो होने वाली है एक रिव्यू वीडियो। इसमें आपको रिव्यू करके दिखाने वाली एक प्रोडक्ट जो होने वाला है काफी ज्यादा अंडर बजट। और अगर आप एक्ने या फिर स्किन प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो उसके लिए ये बेस्ट होने वाला है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ। कुछ इस तरह से दिखती है। दिस इज फ्रॉम द ब्रांड कॉल हिमालया। मैंने हिमालया ब्रांड का एक हेयर क्रीम भी कुछ टाइम पहले रिव्यू करी, अगर आप उसका रिव्यू देखना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी देने वाली हूँ। सो ये है प्योरीफाइंग नीम फेस वॉश। दिस इज अ फोमिंग फेस वॉश। आप देख सकते हो इसकी आउटर पैकेजिंग कितनी ज्यादा अट्रैक्टिव है, ग्रीन इन कलर। इट लुक्स लाइक अ लिक्विड बट इट्स, जब आप इसे निकालोगे पंप से तो ये फोम की तरह निकलेगा। 50 ml ऑफ प्रोडक्ट एट द प्राइस ऑफ 75 rupees, विच इज क्वाइट अफोर्डेबल। लाइक ये अंडर है 100 rupees के, सो आप इजिली इसे अफोर्ड कर सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो या फिर आप अंडर बजट कुछ देख रहे हो तो आप इस चीज को जरूर ट्राई कर सकते हो। बैक साइड में आप देख सकते हो एक व्हाइट लाइक इंक से लिखा है सब कुछ। दिस इज कॉल्ड अ माइल्ड सोप फ्री हर्बल फॉर्मुलेशन दैट क्लेंजेज योर स्किन डीपली बाय रिमूविंग इम्प्योरिटीज एंड एक्सेस ऑफ अनलाइक सोप। लाइक आपके फेस पे अगर ऑयल है या आप ऑयल फ्री कुछ ऐसा देख रहे हो जो आपके फेस को ऑयली ना बनाए, सो यू कैन ट्राई दिस आउट। और इसमें लिखा है दिस प्रिवेंट्स पिम्पल्स। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसमें नीम है, टर्मरिक है, जिसमें अपनी खुद की आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज होती है आपके फेस के लिए। लाइक अगर आपकी एक्ने है सो आप इसे जरूर ट्राई कर सकते हो। इसमें ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है दैट इट्स पैराबिन फ्री। मे बी इसमें केमिकल्स होंगे बट इतने नहीं है। सो मुझे सबसे अच्छी बात इसकी ये लगी है कि इसकी पैकेजिंग काफी ज्यादा स्लीक है, आप इसे ट्रैवलिंग में इजीली यूज कर सकते हो और क्लियर पैकेजिंग है तो आप इजीली इसके अंदर प्रोडक्ट देख सकते हो क्या क्या है। सो मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फोम किस तरह से दिखती है। सो इसका पंप काफी हैंडी है और बिल्कुल इजीली आपका प्रोडक्ट निकल जाता है, आप देख सकते हो। कुछ फेस वॉशेज होते हैं जैसे चिपचिप, वैसा नहीं है, आप देख सकते हो इजीली ब्लेंड हो रहा है और ये फोम भी क्रिएट हो रही है इसमें, यू कैन सी दैट। तो मुझे प्रोडक्ट काफी ज्यादा अच्छा लगा है। ये मैं अपने कॉलेज टाइम में भी इसे यूज करती थी। एक्टिव एक्ने है फेस पे और आपको बहुत ज्यादा इचिंग होती है एक्ने की वजह से या ऑयली स्किन है, सो आप इसे ट्राई कर सकते हो क्योंकि इसमें नीम है, टर्मरिक है जो आपकी फेस की इचिंग को काफी ज्यादा कम करेगा। कॉलेज टाइम में मुझे बहुत ज़्यादा पिंपल्स थे, लाइक मैंने क्या क्या ट्राई नहीं किया। लास्ट में कुछ कुछ चीज़ें मैंने ट्राई करी थी बट इसने मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया था, लाइक सूद करने में मेरी स्किन को। लाइक जब इचिंग होती थी, इचिंग को काफ़ी कम करेगा, नीम आपकी इचिंग को डेफिनेटली कम करता है। और अगर आप चाहते हो एक और फेस वॉश है जो काफ़ी इफेक्टिव है एक्ने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड सेटाफिल। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो, वो बहुत अच्छे से वर्क करता है। अगर आप देख रहे हो कुछ ऐसा जो बहुत बजट फ्रेंडली हो, काफी पॉकेट फ्रेंडली हो, आप इजीली उसे ट्राई आउट कर सकते हो। सेंसिटिव स्किन वाले भी इसे यूज कर सकते हैं बिकॉज मेरी काफी ज्यादा सेंसिटिव स्किन है, सो आप इसे यूज कर सकते हो। एक्ने वाले यूज कर सकते हो, द बेस्ट फॉर एक्ने और ऑयली स्किन वालों के लिए। दैट्स अबाउट दिस रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो या मेरी वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट दैट लाइक बटन। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। सो बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।